The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Let's start. बातचीत होगी आज हमारी कुरकुमिन और टर्मरिक के बारे में. देखिए टर्मरिक वैसे तो भाई साहब जग जाहिर है, लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, बहुत अच्छी चीज़ है. और टर्मरिक में एक अच्छी चीज़ पाई जाती है कुरकुमिन. देखिए एंशेंटली जग दुनिया में बहुत ही करोड़ों अरबों सालों से ये हल्दी के जो रूट्स हैं उसको स्पाइसेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है. और उसको अगर स्टडी की जाती है तो कुरकुमिन नाम का जो एलिमेंट आपके टर्मरिक के अंदर पाया जाता है वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपके हल्दी के अंदर, जो कि एक्चुअली एक बहुत ही ज़ोरदार एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कर रहा है आपकी बॉडीज में. कई कैंसर के खिलाफ एक्शन है उसका, कई ऑटो इम्यून डिजीजेस के खिलाफ एक्शन है, एक्नी के खिलाफ एक्शन है और बहुत सारी ऐसी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में उसके फायदे देखे जाते हैं. इन्फ्लामेशन कम करता है बॉडी के अंदर कैंसर के चांसेस कम करता है, उसके ट्रीटमेंट रोल है इवन डेंजरस से डेंजरस बीमारी में. सो अगर आप हल्दी खाते नहीं हो तो खाना चाहिए कायदे से. हल्दी, गार्लिक, जिंजर, ये सब बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज मेडिसिनल पर्पसेस हैं टर्मरिक के. टर्मरिक इज एक्चुअल में अपने आप में एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है और इसको हम कुरक्यूमिनोइड्स के नाम से जानते हैं. कुरक्यूमिनोइड्स में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाता है लिटरली बीमारियों में. ऐसा नहीं है कि अकेले ये बीमारियां ही ट्रीटमेंट में काम करेंगे, नहीं, इतना पॉजिटिव इफेक्ट है कि कई बीमारियों की ड्यूरेशन इंटेंसिटी को वो कम कर देता है, तो दैट इज अ गुड थिंग. इंक्लूडिंग डायबिटीज, इंक्लूडिंग आपका ओबेसिटी, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीजेस, कैंसर, ऐसी सारी हर एक आर्थराइटिस, एक्ने, इन सारी बीमारियों में कुरकुमिन या हल्दी बहुत काम करती है. इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, है तो है बहुत जोरदार, ठीक है. सो आप इसको ले सकते हैं. अब इसको आप कुरकुमिन को हल्दी के पाउडर के जैसा भी ले सकते हो, करी में डाल सकते हो, चटनी बना सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है. उसमें क्या है, जितना पाउडर नेचुरल फॉर्म्स हम लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है. और वो उसका मील के साथ लेते हैं, खाने के साथ, तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. और अगर कितना ले सकते हैं, इट्स अ सेफ थिंग, हल्दी को आप 8 ग्राम पर डे तक ले सकते हो. 8 ग्राम पर डे, दिन में सेफ्टी डोज की बात है, सेफ है वैसे तो. 8 ग्राम पर डे तक हल्दी टर्मरिक इज कंसिडर्ड सेफ. नॉट टॉकिंग अबाउट कुरकुमिन राइट नाउ, हल्दी की बात कर रहे हैं. कुरकुमिन, क्या कुरकुमिन कैंसर प्रिवेंट करेगा? एब्सोल्युटली. क्या कुरकुमिन कैंसर को बढ़ने से रोकेगा? क्वाइट फ्रैंकली इस समय इतना एविडेंस, रिसर्च प्रूफ नहीं है कि कुरकुमिन किसी कैंसर के को बढ़ने से रोक देगा, लेकिन हेल्प ज़रूर करेगा. इसमें जो सब्सटेंस हैं, ऑब्वियसली चीज़ हैं, ये बहुत सारी बीमारियों में काम करते हैं और कई सारे रिसर्चेज में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल चुके हैं. सो इट इज़ थॉट टू बी एन एंटी ऑक्सीडेंट विद अ ग्रेट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी. इट रिड्यूसेज इन्फ्लामेशन, रिड्यूसेज स्वेलिंग, राइट. इसमें कैंसर ट्रीटमेंट में, इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट में रोल है, राइट. रिसर्च में ये देखा गया है कि इट कैन प्रिवेंट कैंसर एंड एक कुछ केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कैंसर. ग्रोथ ये अलग होती है, स्प्रेड अलग होता है, लेकिन स्प्रेड को एक से दूसरी जगह फैलने से रोकते हुए देखा गया है. कीमोथेरेपी करते हुए पेशेंट्स जब कुरकुमिन लेते हैं तो इफेक्टिवनेस कीमोथेरेपी की और बढ़ जाती है. और इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट हेल्दी सेल्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय रेडिएशन थेरेपी, जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसके साथ. सो कुरकुमिन इज एक्चुअली बीइंग स्टडीड प्रोफ्यूजली, वाइडली इन ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, स्पेशली कैंसर. और स्टडीज में अर्ली स्टेजेस में पीपल ऑलरेडी बोल रहे हैं कि कुरकुमिन इज अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग कैंसर इन पीपल एंड इन पीपल हु हैव
प्री कैंसरस, कुछ प्री कैंसरस कंडीशन होती हैं, जैसे कि किसी को एच पाइलोरी, किसी को मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, स्टमक कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, किसी को पैप स्मियर पॉजिटिव आ गया, राइट, सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ गया, सो ऐसे केसेस में फिर आपके प्री कैंसरस कंडीशन जिसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली में सबको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, सबको कोई ना कोई कैंसर है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है ऐसे कोई चीज़ लेना. इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, राइट. देन रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली से कि कुरकुमिन को किस डोज में लेना. हल्दी के लिए एक सेफ डोज बताई गई है 8 ग्राम, लेकिन ऐसा कोई रिकमेंडेड टाइम या डोज कुरकुमिन के लिए नहीं है. कुरकुमिन के कैप्सूल्स आने लग गए हैं जो आप वंस और ट्वाइस अ डे ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट शुड बी टेकन विद द फूड. फूड के साथ लेना ही उसमें बेस्ट माना जाता है. और कई सारे एक्सपीरियंसेस सामने आते हैं जिसमें कुरकुमिन जो है आपके एक्ने के केसेस में, आपके ब्लेमिशेस के केसेस में, इन्फ्लामेशन के केसेस में काम करते हुए दिखा. सो कुरकुमिन इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन. टर्मरिक हल्दी खानी ही चाहिए, रोज़ नहीं तो रेगुलरली. सो दिस इज़ द आइडिया, दिस इज़ द लॉजिक हियर. आगे इस पे रिसर्च होता रहेगा, ऑब्वियसली इसके बेसिस पे मेडिसिन भी बनेंगी. और आज आप हैं, आज आप ले रहे हैं, तो भाई लेते रहिए, दैट इज़ वेरी वेरी गुड. सो दैट्स इट गाइज अबाउट कुरकुमिन. यस, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल दीज inflammatory conditions, so definitely include it in your diet and include it in your medicinal supplements also. So thank you so much guys, please share the video. If you have any questions, कोई भी सवाल किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक पे या दूसरे किसी टॉपिक पे. आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, राइट. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, लेट्स